सोशल मीडिया पर पहले प्यार हुआ और फिर बात शादी तक पहुंची, जिसके बाद अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि पति धोखा देकर फरार हो गया। मामला पूर्णिया से सामने आया है। दरअसल समस्तीपुर की रहने वाली एक महिला अपने दो बच्चों के साथ पूर्णिया में महिला थाने पहुंची। महिला ने बताया कि 2022 के अंत में इंस्टाग्राम पर उसे धमदाहा के बिशनपुर के रहने वाले एक युवक के संपर्क में आई, फिर दोनों में धीरे धीरे करीबी बढ़ा और प्यार हो गया, जिसके बाद महिला धमदाहा चली आई और युवक के साथ रहने लगी। लगभग 8 महीने लिविंग में रहने के बाद महिला ने युवक पर शादी का दबाव बनाया, जिसके बाद 5 सितंबर 2023 को दोनों ने हाजीपुर कोर्ट में शादी कर ली। कोर्ट में शादी करने के बाद दोनों ने मंदिर में भी शादी की, लेकिन शादी के 1 महीने बीतने के बाद ही दोनों में टकरार होने लगा। महिला ने बताया कि शादी के बाद वो अपने पति के साथ मोतिहारी में रहने लगी। महिला ने बताया कि वो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी जागरण नाइट में गायन और मॉडलिंग का काम करती है। उसका पति भी जागरण नाइट में गायक का काम करता है। दोनों मोतिहारी में जागरण का काम करते थे। इसी दौरान उसके पति के घर वाले उससे अलग होने के लिए दबाव बनाने लगा। जब घर वालों को पता चल गया कि हम दोनों ने शादी कर ली है, उसके बाद वो मेरे पति पर दबाव बनाने लगा, जिसके बाद पति दबाव में आकर मुझे मोतिहारी से छोड़कर फरार हो गया। साथ ही उसका सभी डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट का सारा डिटेल भी अपने साथ ले गया। उसने उसके इंस्टाग्राम पे डाले सभी पोस्ट भी डिलीट कर दिए हैं। महिला ने बताया कि वो पहले से भी शादीशुदा थी। उसकी शादी खगड़िया जिले के मानसी में हुई थी। पति से 2 लड़के भी हैं, लेकिन विवाह के बाद पति के व्यवहार से वो खुश नहीं थी। साथ ही उसका पति शराब का नशा का भी आदी था, जिसके बाद 10 वर्ष के बाद वो अपने पति से अलग रहने लगी। महिला ने बताया कि उसके दूसरे पति ने कोर्ट मैरिज के दौरान कागजात में उसके बच्चे को अपनाने की भी बात कही थी, लेकिन अब वो हम लोगों को छोड़कर फरार हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर महिला थाना अध्यक्ष किरण बाला ने बताया कि महिला की फरियाद सुनी गई है, महिला ने आवेदन दिया है, आवेदन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरा मन क्रैक हो जाएगा। नहीं नहीं बात समझने कोशिश बोल रहे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरा घर में कोई नहीं है, मन आते हैं। और अगर काश मेरा पति रहता तो पति खत्म क्यों नहीं रहते, हम यहाँ होते आज। अगला का बात क्यों नहीं कोशिश करें, क्यों पागल कर रहे हैं? आप प्रोसेस में आइए ना। अगला तो वही बात बोल रहा है ना, अगला वही बात बोल रहा है ना। पुलिस प्रशासन कोर्ट मीडिया का छड़ी सबसे बढ़ गया उसका बाप। गलती क्या, एक एक सबूत देने के लिए तैयार है, रिकॉर्डिंग से लेके वीडियो से लेके मेडिकल टेस्ट करे सब कुछ देने के लिए तैयार है, वो क्यों नहीं मानेगा? अगला बोल रही है ना, वो क्यों नहीं मानेगा? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, तुम रहना चाहते हो तो बोल रहे रहना चाहते हो, बता दो। मेरे पास जमीन है, हम दो तीन का समय दो, खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ, कहाँ से किसको समझ दे, हम तो पागल हो चुके हैं। कोई नहीं है मेरा, आप लोग को नहीं यकीन है ना तो हम सबका नंबर दे, मेरे गांव में मेरे घर में जाके बताए।